हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिस्ट्रीज क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड चैप्टर 13 एंड दैट इज़ द फर्स्ट सिटीज. इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन सम टॉपिक्स एंड दैट इज सिविलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स. एंड नाउ टुडे वी विल सी डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. इस क्लास में अभी हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका मेन व्यवसाय क्या था. सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो उस टाइम के लोग थे उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था. बट इसके अलावा वो और भी वर्क किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल हस्बेंड्री. उन्होंने जो एनिमल्स थे उनको पालना शुरू कर दिया था. एंड फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल था वो था डॉग. राइट, मतलब फर्स्ट डोमेस्टिकेट किसे किया गया? डॉग को. और उसके बाद और भी सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, मतलब पालना शुरू किया गया. अपार्ट फ्रॉम दिस, द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन दैट वर प्रेवलेंट इन दैट पीरियड वर स्पिनिंग, टॉय मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग एंड वीविंग. इसके अलावा भी और भी उनके वर्क्स थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्पिनिंग किया करते थे, टॉय बनाया करते थे, पॉटरी मेकिंग था, ज्वेलरी मेकिंग था. और इन सारी चीज़ों को वो बना करके ट्रेड किया करते थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ. और ट्रेड करने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया करते थे? तो वो किया करते थे एनिमल्स और बोट्स का. कैसे? क्योंकि वो रिवर वैली, मतलब रिवर, जो भी उस टाइम के हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल थे वो रिवर्स की वैली में रहा करते थे. तो बोट्स का यूज़ करके वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली जा सकते थे. ठीक है. एंड नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल थे उनका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही फाइन था. वो क्ले, टेराकोटा एंड स्टोन एंड कॉपर वगैरह का यूज़ करके बहुत अच्छा आर्ट, बहुत ही फाइन आर्ट, नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही फाइन आर्ट बनाया करते थे. टेराकोटा एक तरह का सॉइल है. क्ले और स्टोन को तो आप जानते ही हैं, टेराकोटा एक तरह की सॉइल है जिसका यूज़ वो सील्स बनाने में भी किया करते थे, मतलब कॉइन्स. जैसे हम अभी रुपी का यूज़ करते हैं हमारे बार्टर सिस्टम, मतलब रुपी का यूज़ करते हैं हम जब कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, तो उस टाइम वो परचेसिंग के लिए और ट्रेड करने के लिए वो सील्स, यानी कि उस टाइम के मुद्राओं का प्रयोग करते थे. और वो टेराकोटा की बनी होती थी. टेराकोटा एक तरह का सॉइल है. और इसका जब हमने मतलब एक्सकेवेशन के दौरान इसका पता तब चलता है कि जब एक्सकेवेशन के दौरान ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिले हैं, सील्स मिली हैं, बैट्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं. तो इससे पता चलता है कि उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट था बहुत ही फाइन था. टॉयज़ मेड फ्रॉम टेराकोटा विथ मूवेबल हेड्स. जो टॉयज़ थे वो लोग ट्रेड के लिए टॉयज़ भी बनाया करते थे और वहाँ के खुद के लोकल यूज़ के लिए भी टॉयज़ बनाया करते थे. और वो किसके बने होते थे? टेराकोटा के. और एंड विद द मूवेबल हेड्स, मतलब वो इतने एडवांस्ड हो चुके थे कि मूवेबल हेड्स, मतलब वो ऐसे टॉयज़ बनाते थे जिनके हेड्स मूव करते थे. एंड लिटिल टॉय कार्ड्स एंड विसल्स शेप्ड लाइक बर्ड वर पॉपुलर इन दैट पीरियड. और उस पीरियड में जो वो टॉय कार्ड्स बनाते थे वो किस टाइप की रहती थी? बर्ड शेप में रहती थी. द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल प्रूव्स दैट यार्न वॉज स्पन एंड पीपल वॉर क्लॉथ्स ऑफ कॉटन और वूल. और ये जो क्ले स्पिंडल मिला है उस टाइम जब एक्सकेवेशन के दौरान, तो इससे ये प्रूव होता है कि उस टाइम के लोग जो क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स पहनते थे वो या तो कॉटन के पहनते थे या वूल के पहनते थे. इवन बटन्स एंड निडल हैव बीन डिस्कवर्ड. और बटन्स और निडल भी मिली है, मतलब सुई और बटन्स भी मिली हैं. तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो पीपल थे वो स्टिच्ड क्लॉथ्स, यानी कि सिले हुए कपड़े पहना करते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड. अभी हमने ये डिस्कस किया था कि वो लोग सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे और ट्रेड भी किया करते थे. सो अभी हम इसको डीपली कवर करते हैं. एक्सटेंसिव बिल्डिंग्स एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड accompanied by huge greeneries, seals, uniform script and standard weight clearly signify the existence of highly advanced trading system. Mohenjo-daro, Lothal and Harappa. जो Mohenjo-daro, Lothal and Harappa है, ये places हैं, यहाँ पर ये manufacturing hub हुआ करते थे. क्योंकि हमें बहुत ही huge greeneries मिली हैं. last topic, last class में हमने discuss किया था. seals मिली हैं दूसरी countries की भी. तो इससे ये तो क्लैरिफाई हो जाता है कि ट्रेड हुआ करता था. राइट, एंड मोहनजोदारो, लोथल एंड हड़प्पा जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे. यहाँ बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी.
and trading was not restricted to Harappan civilization but was also carried out with other parts of the world. जो जो ट्रेड था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं था और किसी भी पार्ट में, मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं था. वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया करते थे, मतलब वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से चीज़ों को ले आते थे और अपनी जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की होती थी वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भेजते भी थे. रॉ मटेरियल लाइक कॉटन यूज टू मेक क्लॉथ पर अवेलेबल लोकली. जो कॉटन, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कॉटन था उसके क्लॉथ्स पहना करते थे, तो जो ये कॉटन था वो ये लोग लोकली यूज़ किया करते थे. बट और भी सारी चीज़ें जैसे लाइक बोट्स, कार्ट्स एंड शिप्स, ये सारी चीज़ें इसका प्रूव है कि वो मेन ट्रेड किया करते थे दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी. आ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ब्रॉन्ज फिगर्स, सील्स एंड पॉटरी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द हड़प्पन साइट प्रोवाइड क्ल्यूज अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द इंडस वैली पीपल. जो हमें ब्रॉन्ज फिगर्स मिले हैं, मतलब जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, और भी सारी कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये प्रूव होता है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी बिलीव करते थे, मतलब गॉड में भी बिलीव करते थे. अ हम्ड बुल, एलिफेंट एंड राइनोसेरस एनग्रेव्ड ऑन सम सील्स. मतलब कुछ कॉइन्स ऐसे थे जिसपे ये सारे जो एनिमल्स थे वो एनग्रेव थे, मतलब खोद करके बनाए गए थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिटी फाउंड इन हड़प्पा इज अ हॉर्न्ड गॉड. जो उस टाइम का मेन, जो मतलब जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी, वो गॉड थे वन हॉर्न गॉड. मतलब उन्हें पशुपति या लॉर्ड शिवा, इस टाइम के हिंदू जो गॉड हैं लॉर्ड शिवा, उन्हें भी जाना जाता है. वो जो वन हॉर्न गॉड था वो उनके हेड पे एक सींग रहा करता था. ठीक है, आपने यूनिकॉर्न देखा होगा, यूनिकॉर्न की तरह वो जो सील्स हैं उस पर दिखे, मतलब. तो इससे भी ये पता चलता है कि उस टाइम वन हॉर्न गॉड की पूजा की जाती थी, उसे पशुपति कहा जाता था. ठीक है, टेराकोटा इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस हैव आल्सो बीन फाउंड. और जो मदर गॉडेस, जो टेराकोटा इमेजेस मदर गॉडेस की भी मिली हैं. ठीक है, तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि उस टाइम मातृ देवी की पूजा की जाती थी एंड ट्रीज़ की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि पीपल ट्री के कई जगह, मतलब कई जगह प्लेस, कई प्लेसेस पर एक्सकेवेशंस मिले हैं. Now the next topic is script. The people of Indus Valley civilization had developed a system of writing which was inscribed on seals, copper tools, terracotta tables and ancient signboards. उस टाइम के जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी डेवलप की थी जो पिक्टोरियल थी, मतलब पिक्चर के फॉर्म में थी. आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर के फॉर्म में ये स्क्रिप्ट थी और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी. मतलब ये स्क्रिप्ट अभी तक कोई पढ़ा नहीं जा सका, किसी के द्वारा इसे पढ़ा नहीं जा सका है, बट ये जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी. हम लोग लेफ्ट से राइट करते हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है, बट उस टाइम की जो वो स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी. सम सिटीज़ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड द डॉकयार्ड इन लोथल. ये मतलब ये जो लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है, जो बंदरगाह मिला है, वो बहुत ही फेमस था और ये शो करता है कि यहाँ पर जो ट्रेड है बहुत ही अच्छा हुआ करता था, मतलब पूरे वर्ल्ड, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ में हुआ करता था. एंड अभी लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया ही था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो लोथल था वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट था साइटेडल एंड सेकेंड वन इज़ लोअर टर्म, राइट. एंड अभी हम डिस्कस करेंगे गोलाधोरो. गोलाधोरो इज़ द रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट इन कच्छ. ये जो गोलाधोरो है वो अभी मतलब रिसेंटली सबसे न्यूली डिस्कवर्ड साइट है जो कि कच्छ में है, राइट. पीपल ऑफ द गोलाधोरो मैन्युफैक्चर्ड सेवरल क्राफ्ट आइटम ऑफ शेल, सेमी प्रीशियस स्टोन. जो वहाँ के पीपल थे वो मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे क्राफ्ट आइटम की, ठीक है, और वो शेल से और सेमी प्रीशियस स्टोन से वो चीज़ें बनाया करते थे, राइट. अभी हम केस स्टडी करेंगे धौलावीरा की. द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बैट इन द रन ऑफ कच्छ. ये जो धौलावीरा है वो रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है. इट वॉज़ डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स. अभी हमने देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स थी वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन. बट ये जो धौलावीरा है वो मतलब सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, राइट. डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़. ये और भी और सारी हड़प्पन सिटीज़ की तरह नहीं था, बिकॉज ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था.
It was a model city, remarkable for its exquisite planning, monumental structure, aesthetic architecture, amazing water harvesting system and funerary architecture. ये जो सिटी थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके का, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही प्लान्ड थी. इसमें मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले हैं. और यहाँ पर जो है, यहाँ का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम था, मतलब सिंचाई के जो सिस्टम थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे. राइट. जो धौलावीरा सिटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एंड ईच पार्ट, जो उसका हर एक पार्ट था धौलावीरा का, वो ह्यूज स्टोन से घिरा हुआ था. ओके, ह्यूज स्टोन वॉल्स उसके हर एक पार्ट के चारों तरफ बनी हुई थी, विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवे, और सब में गेटवेज का भी, मतलब सब में रास्ते भी थे. इट हैड अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. और वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज एरिया, लार्ज ओपन एरिया, मतलब बहुत ही बड़ा खुला हुआ एरिया भी था, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हेल्ड की जाती थी, जस्ट लाइक कोई पूजा या फिर कोई किसी भी तरह की पब्लिक सेरेमनी वहाँ पर की जाती थी. Now our next topic is decline of the Indus Valley civilization. अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म कैसे हो गई, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी अर्बन सभ्यता थी, ठीक है, और उसके बाद अचानक से कैसे रूरल आ गई, और ऐसे पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी सिविलाइजेशन कहीं पर भी नहीं थी. मतलब इतना अच्छा सिस्टम, एकदम प्लान चीज़ें कहीं पर भी नहीं है, अभी भी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस इट. There are many reasons for the decline of the Indus Valley civilization around 1500 BCE. Though no reliable records exist for its sudden decline. देखिए कुछ reasons तो बताए हैं, लेकिन ये लोगों का assumption है, ठीक है. किसी ने भी, मतलब किसी के पास भी कोई proof नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, सिर्फ लोग मानते हैं कि हाँ maybe ऐसा हो सकता है. तो first इसका reason है cutting down of trees and excessive grazing to meet the increasing demands of a large population might have led to decline of the culture as the land dried up and later became infertile. लोगों का ऐसा कहना है, मतलब जो विद्वान है उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग हुई हो और ग्रेजिंग हुई हो, मतलब पशु चराई, पशु चारण बहुत ज़्यादा हुआ हो, और उसके बाद जो पॉपुलेशन है उनको भोजन के लिए, मतलब फूड नहीं मिला हो, और फिर जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गई हो. तो मे बी ऐसा हो सकता है इसकी वजह से उसका डिक्लाइन हो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया हो. एंड कुछ लोग ये मानते हैं कि सडन फ्लड एंड चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस लीडिंग टू द ecological imbalance might have contributed to the fall of the Indus Valley civilization. क्योंकि वो Indus Valley में रहा करते थे, मतलब Indus जो river थी उसकी valley में रहा करते थे people वहाँ के. तो हो सकता है कि उस time floods आए हों और धीरे धीरे लोग वहाँ से ख़त्म हो गए हों, तो ऐसा माना जाता है. And next है natural calamities. हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, for example earthquake, floods या drought, मतलब हो सकता है भूकंप आया हो या बाढ़ आई हो या फिर सूखा पड़ा हो. तो इन सारे रीजंस की वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसका डिक्लाइन हुआ हो. अब हम एक केस स्टडी करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक द हड़प्पन सिविलाइजेशन, देयर वॉज अनदर सिविलाइजेशन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ द सेम पीरियड. जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब इंडिया में था तो और भी पूरे वर्ल्ड में कई सारी सिविलाइजेशंस थी, जस्ट लाइक इजिप्टियन, मेसोपोटामिया, ठीक है. तो ये इजिप्टियन, इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन था. इट इज़ नोन एज इजिप्टियन सिविलाइजेशन. इजिप्ट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा are among the most amazing man-made structure in human history. और ये जो Egyptian civilization था वो पूरे world में सबसे ज़्यादा richest, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर और powerful civilization था. इसका एक example है जो गीज़ा के pyramids मिले हैं. Pyramids ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये इंसानों के द्वारा, यानी ह्यूमन के द्वारा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था. ये पूरे वर्ल्ड का सबसे यूनिक और सबसे बड़ा, मतलब पिरामिड है. लाइक Ancient Egyptians believed that when the king died, part of his spirit remained with his body. जो Egyptian लोग थे वहाँ के, वो ये माना करते थे कि जब king, यानी कि कोई राजा की death हो जाती है, तो उसकी जो spirit है वो अभी भी उसकी body में रहती है. Okay? मतलब उसकी body में उसकी spirit, उसकी जो soul है, उसकी जो आत्मा है, वो उसकी body में ही रहा करती है. To take care of his spirit, the dead body was mummified.
आपने कोई मूवीज़ या फिर कार्टून्स में कभी देखा होगा कि मम्मी बना दिए जाते हैं, बैंडेज उनकी पूरी बॉडी पे लपेटी रहती है, ठीक है? तो वो मम्मी कैसे बनते थे, वो कुछ तरह का केमिकल बनाते थे और केमिकल को पूरी बॉडी पर लगा दिया जाता था जो डेड बॉडी रहती थी, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है? और फिर उसके बाद वो केमिकल का लेप लगाने के बाद उसे बैंडेज से कवर कर दिया जाता था पूरी बॉडी को, उसी को कहते थे मम्मीफाइड करना। एंड एवरीथिंग द किंग वुड नीड इन द आफ्टर लाइफ वॉज बरीड विद हिम। और जो किंग थे उनकी जो चीज़ें उन्हें पसंद हुआ करती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके वेसल्स, फूड, फर्नीचर और भी अदर चीज़ें जो उन्हें पसंद हुआ करती थी, उनको उनके साथ दफनाया जाता था, ठीक है? द पिरामिड्स बिकेम द फोकस ऑफ अ कल्ट ऑफ डेड किंग वॉज थॉट टू कंटिन्यू वेल आफ्टर हिज डेथ। द रिचेस वर प्रोवाइडेड not only for him but also for the relatives, officials and priests who were buried near him। और जो ये riches थी, जो ये दौलत थी, वो सिर्फ राजा के लिए, सिर्फ king के लिए ही नहीं दफनाई जाती थी, जो उनके साथ और भी जो उनके officials, relatives या priests उनके साथ buried किए जाते थे, उनके लिए भी ये riches provide कराई जाती थी। So students, this was a chapter, I hope you understood the chapter। अगर आपको कोई भी problem हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, राइट? सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।